इन दिनों नवरात्रे चल रहे हैं, मंदिरों में भक्तों की लाइनें, घरों में जगराते, पूजा पाठ इत्यादि सभी जगह चल रहा है। लेकिन इसके साथ ही पूजा पाठ में हमेशा ही टीका यानी तिलक का विशेष महत्व रहा है, और यही कारण है कि पूजा के अलावा भी प्रत्येक शुभ काम में तिलक के साथ चावल यानी जिसे अक्षत कहा जाता है उसे लगाया जाता है। लेकिन पूजा पाठ में हमेशा ही खंडित चावल यानी कि टूटे हुए चावल वर्जित माने जाते हैं। इसका कारण जानने के लिए जब हमने पंडित जी से बात की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं। अक्षत का अर्थ होता है कभी क्षय ना हो, क्षय मतलब कभी मिटे ना, अर्थात हमारे जो जीवात्मा होती है, हमारा शरीर का एक 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 समय होता है निर्धारित कि भाई कितने समय तक आप इस शरीर में, इस संसार में हो। शरीर का धर्म हम यहाँ निपटा देते हैं, पर उसके बाद जो जीवात्मा होती है, जो मेन होती है, जो हर समय शरीर बदलती है, उस जीवात्मा का भी कभी क्षय न हो, इसलिए हम उसकी कामना से, उसके अमरत्व की कामना से अक्षत चढ़ाते हैं। इसलिए बोलते हैं टूटा हुआ अक्षत मत चढ़ाना, पूर्ण होना चाहिए, अर्थात हमारी जीवात्मा कभी क्षय न हो, पूर्ण रहे, इसलिए अक्षत चढ़ाते हैं। नहीं, उसका कोई नियम ऐसा नहीं है। गंध के बाद अक्षत लगाया जाता है, जैसे आपने मस्तक में यहाँ पे गंध लगाया, ये क्या है, आंख के चक्र है। ध्यानस्थ जब आप होंगे तो हमारे जो चक्र खुलते हुए आते हैं तो वो जो आंख के चक्र होता है, आंख के चक्र में एक पॉइंट होता है, उस पॉइंट को हमको क्या करना पड़ता है, कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है। इसीलिए हम चंदन का लेप लगाते हैं ताकि ये कॉन्सेंट्रेट पॉइंट जो है वो क्या हो, शीतल हो, ठंडा हो, उसमें किसी भी प्रकार से ऊर्जा एकदम से ना हो, क्योंकि आपका ध्यान जो है वो कॉन्सेंट्रेट हट जाएगा अगर उस पर ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगी, तो उसको ठंडा करने के लिए हम चंदन लगाते हैं, तब हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं, तब हम ध्यान लगाते हैं, इसलिए चंदन और अक्षत माथे पे लगाया जाता है। पंडित हिमांशु गंडवाल बताते हैं कि हिंदू धर्म में पूजा पाठ का विशेष महत्व है। पूजा पाठ में इस्तेमाल किए जाने वाली पूजा सामग्री को भी बड़े ही ध्यान से भगवान को अर्पित किया जाता है। इसी प्रकार से हम पूजा पाठ में अक्षत का प्रयोग भी करते हैं, लेकिन अक्षत अर्पित करते समय कुछ विशेष नियम बताए गए हैं जिनको ना मानने से भगवान नाराज हो सकते हैं और इसका हमारे जीवन पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। पंडित बताते हैं कि सनातन धर्म में अक्षत का अर्थ जो टूटा ना हो बताया गया है, इसीलिए यदि हम पूजा पाठ के समय भगवान को खंडित अक्षत चढ़ाते हैं तो यह वैदिक रूप से अशुभ माना गया है। चमोली से लोकल 18 के लिए सोनिया मिश्रा की रिपोर्ट।